Good morning students, myself Bhoumik Patel from Swaminarayan Dharmapur, che-6 Swaminarayan. Today we will continue our chapter 6, Conversion and Frame. In class 8, English medium, science. In previous video we have learned about what is fuel efficiency and calorific value, kilo joule per kg. अब ये हमने जलाया है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. बर्निंग करना पहली चीज का है, उससे करने से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, हार्मफुल चीजें भी मिलती हैं जो हमारे लिए हानिकारक है. अर्थ को
डाइऑक्साइड प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, बट हमारे अर्थ में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अभी बढ़ गया है, पर 0.04% कार्बन था, कार्बन डाइऑक्साइड था। इसका असर ये था कि जिससे क्या होता था कि दिन में सनलाइट जो आती थी, ठीक है, बाकी सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट तो आती है, ठीक है, पर रात को दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंडी पड़ती है, बट अर्थ में ऐसा नहीं है। दिन में गर्मी पड़ती है पर रात को इतना लो टेम्परेचर नहीं जाता। इसका रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने ग्रीन हाउस भी देखा था, हमारे स्कूल में भी यहाँ नेट हाउस है, वो भी टाइप का ग्रीन हाउस है, ठीक है, कई खेत में भी वो कपड़े से वो टेंट जैसा बनाते हैं, वो भी टाइप का क्या है, ग्रीन हाउस है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन बढ़ गया है तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी है वो हीट को कंजर्व करता है, जिससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से हमें तो प्रॉब्लम होता है, बाद में दूसरा सब पृथ्वी का अर्थ का संतुलन इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, बाकी से कहीं पर तो तकलीफ पड़ती है, वाटर लेवल में गर्मी बढ़ जाती है, जो एक्वाटिक एनिमल है उनको भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो ये सब छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इससे होता है, इसका टेम्परेचर राइज होता है। Next
लर्न कीजिए एंड नोट आउट कीजिए और हम अगले वीडियो में हमारा नेक्स्ट सेवेंथ